ससुरालियों के उत्पीड़न का शिकार हुई एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हल्द्वानी में एक भाई 6 दिन से अपने घर पर ही आमरण अनशन पर बैठा है, लेकिन उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कमलुआ गंज का रहने वाला चंदन अपने ही घर में आमरण अनशन शुरू कर अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और पुलिस महकमे से गुहार लगा रहा है। अनशन पर बैठे चंदन का कहना है, उसकी बहन की शादी 2013 में तारा नवाड़ गोलपारा क्षेत्र के गौरव के साथ हुई थी। ससुराल वाले अक्सर उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे। बीते 28 जून को मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में उसकी बहन पुष्पा को हल्द्वानी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 5 जुलाई को बरेली के राममूर्ति अस्पताल में उसकी बहन पुष्पा की मौत हो गई। भाई चंदन का आरोप है कि बहन के साथ मारपीट होने से पहले भी पुलिस को उसकी बहन द्वारा कॉल किया गया, लेकिन बावजूद उसके चोर गलिया थाना पुलिस ने कोई मदद नहीं की। साथ ही उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से भी पुलिस वाले लेट लतीफी और लापरवाही दर्शाते नजर आए। अनशन पर बैठे भाई का कहना है, जब तक उसकी बहन को इंसाफ नहीं मिलता, उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वह अपना अनशन जारी रखेगा। मेरी बहन की मृत्यु हुई और इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी सूचना दी थी थाना चोरगलिया को पहले से कि मेरी बहन की जान बचा ली जाए, लेकिन थाना चोरगलिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या हुआ? मेरी बहन के साथ पहले मारपीट हुई, फिर उसके बाद उसे बेहोशी की स्थिति में 28 जून को सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में भर्ती किया गया और 5 जुलाई 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो किस पे है आरोप? उसके पति गौरव बेलवाल और उसकी सास माया बेलवाल और साथ ही साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य, जैसे उसका चचेरा देवर जो उस घटनास्थल के समय मौजूद था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6 जुलाई को जब हम FIR दर्ज कराने के लिए गए तो हमारी FIR दर्ज नहीं की गई। उसके बाद 8 जुलाई को हमारी FIR दर्ज होती है। इसके बाद भी पुलिस को काफ़ी मौके मिले जाँच करने के, लेकिन जाँच में ढिलाई की गई और 22 जुलाई को वो स्टे ऑर्डर ले आया। क्या मांग करते हैं? मैं मांग यही करता हूँ कि पुलिस वहाँ, पहली बात तो यह है कि पुलिस उचित कार्रवाई करे, उच्च अधिकारी इसको संज्ञान में लें, और साथ ही साथ जो 24 जून और 28 जून के बीच जो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, स्थानीय पुलिस ने, उन पुलिस पर कार्रवाई भी की जाए और थानाध्यक्ष को निलंबित किया जाए, ताकि कोई भी भाई 112 के धोखे में ना रहे। दूसरी मेरी मांग है कि बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जाए, और तीसरी मेरी मांग है कि इसमें जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, ये बहाना ना बनाया जाए कि स्टे ऑर्डर लाया है। वहीं इस मामले पर CO शांतनु पराशर का कहना है कि मामले पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, ससुराल वालों ने अरेस्टिंग स्टे लिया हुआ है, लिहाजा पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस अपनी जांच गंभीरता से कर रही है, जबकि मृतका के भाई के अनशन पर बैठने की पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं है। ये जैसी सूचना हमें मिली थी, पिछले माह का मामला था जब चोरगलिया क्षेत्र में सूचना मिलने पर मुकदमा इसमें दर्ज कराया गया था तथा प्रतिवादी द्वारा कोर्ट द्वारा से अरेस्ट ले लिया गया, जिसके कारण उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई। जो उसकी मांग है वो मान्य न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन पे होगी, तो इसी कारण उसको कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है तथा बाकी जो इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है और उसमें न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। आने के लिए भी कुछ प्रयास अब देखते हैं, आपने संज्ञान में दिलाया कि अनशन पे बैठा, हमें ऐसी कोई सूचना फॉर्मली लिखित में नहीं आई थी, अब उसको हम देखते हैं और कार्रवाई करते हैं। हालांकि अब पुलिस द्वारा अनशन पर बैठे भाई चंदन से बात करने की बात कही जा रही है।